गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इसके पहले के वीडियो में हमने धातु रूप देखा था। धातु रूप में उसका धातु रूप बनाना भी सीखा था। पी ता अंति सी ता था आमी आवा आमा पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठत पठान पठाव पठामः, ये हमने सीखा था। अब आज हम जो है पांचवे लेसन में प्रथम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, यहां देखिए ये आपके चित्र में कि हमारे पास तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीनों पुरुषों के तीन तीन वचन होते हैं, प्रथम पुरुष के तीन वचन, मध्यम पुरुष के तीन वचन और उत्तम पुरुष के तीन वचन। आज जो है हम प्रथम पुरुष के वचनों को और उसमें तीनों लिंगों को, प्रथम पुरुष में तीन लिंग होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। शब्द आप पहचानिए, दूसरे लेसन में आपको पहचानने के लिए बालक पुरलिंग, बालिका स्त्रीलिंग, फलम नपुंसक लिंग। तो यहां आप देखिए एक वचन जो प्रथम पुरुष का एक वचन है, अभी इस वीडियो में हम एक वचन के ऊपर ध्यान देंगे। एक वचन में संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द मतलब नाम वाले शब्द, जिसके नाम है बालक, विसर्ग लगा के आप पहचान देते बालिका, आकारांत लगाकर और फलम। तो बालिका 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 पत्र, ये एक वचन। अब इसको सर्वनाम बना दिया जाए तो सर्वनाम में आपने पढ़ा था स सा त, एक वचन है, इसके द्विवचन हो जाएंगे स का तव और बहुवचन हो जाएगा स तव ते, सा ते ताह त ते तानी, ये आपने सर्वनाम परिचय में सीखा था। अब यहाँ बालिका के साथ हमेशा तीन, एक वचन में हमेशा अति वाला रूप जोड़े जाएगा, तो बालिका पठति बालिका पठति, पत्र पढ़ना नहीं आया भैया पत्रम पतति गिरना, सह पठति सा पठति, इसके साथ अति वाला रूप जुड़ेगा। तो आपके पाठ में प्रथम पुरुष के ये सारे प्रयोग दिए गए। अब हम इनमें से कुछ प्रयोग, जैसे पहले में जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये रूप दिए गए हैं। उसके रूप में पुल्लिंग शब्द ऐसा विसर्ग लगा हुआ पुल्लिंग ऐसा क अस्थि, ऐसा मतलब यह, का मतलब कौन, अस्थि मतलब है, यह कौन है, देखिए ऐसा है पुल्लिंग है तो ती वाला ऐसा क अस्थि यह कौन है, ऐसा बालक अस्थि ऐसा बालक अस्ति ऐसा बालक अस्ति, तो यह बालक है। बालक पठति बालक पठति, बालक का एक वचन बालक, पठत माने पढ़ता है, तो ये कौन से हुए पुल्लिंग शब्द, ये शब्द कौन से हुए पुल्लिंग, जो विसर्ग वाले होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब स्त्रीलिंग एक वचन में देखें, ऐसा अकारांत हो गया, ऐसा का अस्ति यह कौन है, ऐसा बालिका अस्ति दूसरे चित्र में, ऐसा बालिका अस्ति यह बालिका है, बालिका पठति बालिका पठति बालिका पढ़ती है। अब यहां पे तीसरे चित्र में पत्ते का चित्र दिया है, वो कौन सा लिंग हो जाएगा नपुंसक लिंग, कौन सा लिंग हो जाएगा नपुंसक लिंग। एतद् किम् अस्ति यह क्या है, यह क्या है, एतद् पत्रम् अस्ति यह पत्ता है, फलम् पतति फलम् पतति, फल गिरता पत्ता गिरता गिरना फल गिरता है। तो पहले रो में कुछ रूप में आपने देखा, अब दूसरे रो में हम चलते, दूसरे रूप में पहला वाक्य देखें, ऐसा का अस्ति वह कौन है, सह काका अस्ति वह कौवा है, काका उड्यति कौवा उड़ता है, काका पुरलिंग। फिर स्त्रीलिंग में
साकास्ति वह कौन है, सा कोकिलास्ति वह कोकिला है, कोकिला गायति कोकिला गाती है। नपुंसक लिंग फूल दिया। तत् किम अस्ति, तत् किम अस्ति, याद देखिए सह सा और नपुंसक लिंग हो जाएगा तत्। तत् किम अस्ति वह क्या है, तत् पुष्पम अस्ति, तत् पुष्पम अस्ति वह फूल है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है। फिर यहां चित्र बोलेंगे अयम कुकुरा अस्ति यह कुत्ता है। कुकुरा किम करोति कुत्ता क्या करता है, कुकुरा धावति कुत्ता दौड़ता है। अब यहां बकरी का चित्र है, बकरी स्त्रीलिंग होगा तो बकरी का संबंध हुआ अजा। इयम अजा अस्ति यह बकरी है। अजा किम करोति अजा क्या करती है या बकरी क्या करती है, अजा चरति बकरी चरती है। इदम चक्रम अस्ति, देखिए नपुंसक लिंग यह क्या है, चक्रम किम करोति चक्र क्या करता है, पहिया क्या करता है, चक्रम भ्रमति पहिया घूमता है। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। सह चलति, सह चलति, सह सह का होता है वह, उसमें चल धातु डाल दिया, सह चलत वह चलता है। एषा हसत यह हंसता है। अयम खादत, अयम खादत यह खाता है। सह कः अस्ति वह कौन है, सह बाला अस्ति वह बालक है, सह मुकुला अस्ति वह मुकुल है। दूसरे में स्त्रीलिंग का प्रयोग दिया गया। सा धावती, सा धावती, सा स्त्रीलिंग हो गया, धावत माने दौड़ता, वह दौड़ती है। ऐसा गायती वह गाती है, ऐसा मतलब यह गाती है। इदम नृत्यति, इदम यह नाचती है। सा का अस्ति, सा का अस्ति वह कौन है, सा बाला अस्ति वह बालिका है। सा सुप्रीता, सुप्रीति अस्ति वह सुप्रीति है। नपुंसक लिंग के रूप में दिया गया है। तत पतति, तत देखिए तत पतति, पतति तत पतति वह गिरता है। एतम विकसति वह खिलता है, एतद यह खिलता है। इदम चलत, इदम इदम मतलब यह चलता है। तत किम अस्ति, तत माने वह, किम मतलब क्या, अस्ति माने है, वह क्या है। तत पुष्पम अस्ति वह फूल है। तत कमलम अस्ति वह कमल है। तो इस पाठ में आपने प्रथम पुरुष एक वचन के सारे क्रियाओं को जिसके साथ ती जुड़ेगा उन क्रियाओं के साथ आपने प्रयोग देखा। धन्यवाद।